बीजेपी की परिवर्तन यात्रा लोरमी पहुंची। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, सांसद मनोज तिवारी, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल होने के लिए लोरमी पहुंची। लोरमी पहुंची केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अपने तय समय से 1 घंटे देरी से पहुंची। वहीं मंत्री के पहुंचने के बाद भी परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व कर रहे छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल रैली को लेकर अपने तय समय पर लोरमी नहीं पहुंच पाए। ऐसे में केंद्रीय मंत्री को पहले ही कार्यक्रम स्थल पर भाषण देकर वापस राजधानी रायपुर लौटना पड़ा। वहीं मीनाक्षी लेखी के जाने के आधे घंटे के बाद में नारायण चंदेल रैली लेकर लोरमी पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने शहर में रोड शो किया। जागरण करने के लिए निकले हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की विदाई तय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। ये हमने इस परिवर्तन यात्रा के पूरे दौरान, चाहे वो गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, परिवर्तन यात्रा का अपार स्वागत हो रहा है। लोग सुनने के लिए आ रहे हैं। प्रतिदिन हमारे कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री सभाओं में आ रहे हैं और अच्छा प्रतिसाद और आशीर्वाद जनता का इस यात्रा को प्राप्त हो रहा है। यह इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन